फ्रेंड्स आपको हम बता दें हमने टीजीटी और पीजीटी के सभी राइटर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एम को कवर कर लिया है इन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स आज हम टी एस एलियट के प्रीवियस ईयर्स आस्क वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सिक्यूज़ की सीरीज़ के पार्ट फोर को स्टडी करेंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है आप इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी वन टी एस इलियट डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी अ टी एस एलियट ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है ऑप्शन नंबर ए है रोमांटिसिस्ट ऑप्शन नंबर बी है पोइटिक ड्रामाटिस्ट ऑप्शन नंबर सी है पेंटर ऑप्शन नंबर डी है कैथोलिक वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैथोलिक फ्रेंड्स आपको हम बता दें टी एस एलियट का जन्म हुआ था 1888 में और इनकी डेथ हुई थी 1965 में फ्रेंड्स टी एस एलियट को नोबल प्राइज़ मिला था 1948 में नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी टू हु पोइट्री इज़ नॉट अटर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन फ्रेंड्स ये किसने कहा है ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है कीट्स ऑप्शन नंबर सी है एलियट ऑप्शन नंबर डी है आर्नोल्ड पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन ये कहा है फ्रेंड्स टी एस इलियट ने करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलियट नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी थ्री इन द फैमिली रीन्यूनियन बाई टी एस इलियट हैनरी इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही ऑप्शन नंबर ए है हैज़ फेल्ड इन हिज प्रोफेशन ऑप्शन नंबर बी है थिंग्स ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ ऑप्शन नंबर सी है नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद हिज मदर ऑप्शन नंबर डी है इज कीपिंग अ पुअर हेल्थ वॉट विल द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थिंग्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ हैरी सोचता है कि उसने अपनी वाइफ को किल कर दिया है इसलिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी फोर टी एस एलियट गॉट द नोबल प्राइज इन टी एस इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था ऑप्शन नंबर ए है 1950 ऑप्शन नंबर बी है 1948 ऑप्शन नंबर सी है 1957 ऑप्शन नंबर डी है 1965 सिक्सटी फाइव वॉट वी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड इसका आंसर हमने आपको तीनों पार्ट्स में दिया है प्रीवियस इसका आंसर आप हमें फ्रेंड कमेंट बॉक्स में दीजिए कि टी एस इलेट नोबेल प्राइज कब मिला था इसका आंसर आप हमें आसानी से दे सकते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए नाओ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी सिक्स विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइन बाई टी एस इलियट फ्रेंड पूछा गया है कौन सी फ्रेज को टी एस इलियट ने कॉइन नहीं किया है ऑप्शन नंबर ए है नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव कोर रिलेटिव ऑप्शन नंबर सी है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑप्शन नंबर डी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेंड नेगेटिव कैपेबिलिटी को कॉइन किया है जॉन किड्स ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेस को कॉइन किया टी एस इलियट ने फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी सेवन टी एस इलियट प्रोपाउंड द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन फ्रेंड्स पूछा गया है टी एस इलेट ने प्रपाउंड किया है द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री को अपने किस वर्क में ऑप्शन नंबर ए है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ऑप्शन नंबर बी है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ऑप्शन नंबर सी है द मेटाफिजिकल पोइट ऑप्शन नंबर डी है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स फ्रेंड्स आपको हम बता दें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को पब्लिश किया गया था 1919 में नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी एट डैश इज द क्रुएलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड फ्रेंड्स पूछा गया है द वेस्टलैंड में किस मंथ को सबसे ज्यादा क्रुएलेस्ट मंथ कहा गया है ऑप्शन नंबर ए है मे ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल ऑप्शन नंबर सी है जुलाई ऑप्शन नंबर डी है जून द आंसर फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रैल अप्रैल इज द क्रोलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड फ्रेंड्स आपको हम बता दें वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में और वेस्टलैंड को फाइव सेक्शन में डिवाइड किया गया है नाउ एमसीक्यू नंबर 69, द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू फ्रेंड्स पूछा गया है वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया गया है ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड एल्डिंगटन ऑप्शन नंबर बी है इजरा पाउंड ऑप्शन नंबर सी है विवेनी हाई वुड एलियट ऑप्शन नंबर डी है जॉन क्विन व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इजरा पाउंड नाउ एमसीक्यू नंबर सेवेंटी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन द वेस्टलैंड फ्रेंड्स पूछा गया है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सिंबल नहीं है वेस्ट लैंड में ऑप्शन नंबर ए है पैक ऑफ टैरेट कार्ड्स ऑप्शन नंबर बी है फायर ऑप्शन नंबर सी है वाटर ऑप्शन नंबर डी है हाउसेस व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाउसेज फ्रेंड्स आपको हम बता दें द वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में और वेस्ट लैंड एक लॉन्ग पोयम है फ्रेंड्स पार्क ऑफ टेरेट कार्ड फायर वाटर को यूज़ किया गया है एज अ सिंबल इन दैस्ट लैंड नाउ एम नंबर 71, वन विच इंडियन लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन दैसट लैंड फ्रेंड्स पूछा गया है कौन सी भारतीय लैंग्वेज द वेस्ट लैंड के अंदर एज अ पार्ट यूज की गई है ऑप्शन नंबर ए है मराठी ऑप्शन नंबर बी है हिंदी ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत ऑप्शन नंबर डी है उर्दू फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत फ्रेंड लास्ट लाइन जो यूज की गई है वेस्ट लाइन की वो है दत्त दयादम दम्यता जिसका मीन्स है शांति 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 तो करेक्ट आंसर है हमारा संस्कृत नाउ एम सी क्यू नंबर सेवनटी टू विच एक्सप्लेनेशन ऑफ दत्त दयाधम दम्यता विच ईलियट इन्वर्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीम्स टू बी सुटेबल टू यू ऑप्शन नंबर ए है गिविंग कंपेशन कंट्रोल ऑप्शन नंबर बी है टेकिंग कंपेशन कंट्रोल ऑप्शन नंबर सी है अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस कंट्रोल ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ कंट्रोल गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन वाट का फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गिविंग कंपेशन और कंट्रोल फ्रेंड यहाँ दत्ता का मीनिंग है गिविंग दयाधम का है कंपैशन और दम्यता का है सेल्फ कंट्रोल फ्रेंड्स आपको हम बता दें दत्त दयाधम दम्यता को यूज़ किया गया है द वेस्ट लैंड में और ये लास्ट लाइन है फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें द वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था नाइनटीन में नाओ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी थ्री विच पोएम ऑफ टी एस एलियट वॉज मेड फ्रॉम द अनयूज मटेरियल ऑफ मर्डर इन द कैटर्डल ऑप्शन नंबर ए है लिटिल गेडिंग ऑप्शन नंबर बी है बर्ट नॉर्टन ऑप्शन नंबर सी है फोर क्वार्टेट्स ऑप्शन नंबर डी है द वेस्ट लैंड वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्ट नॉर्टन फ्रेंड्स आपको हम बता दें बर्ट नॉर्टन जो है वो फोर क्वार्टेट्स की पहली पोयम है फोर क्वार्टेट्स फोर पोयम का कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट नंबर पे है बर्ट नॉर्टन नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी फोर इन द वेस्ट लैंड हु फॉलोइंग लाइन थ्रो ब्लाइंड ट्रॉबिंग बिटवीन टू लीव्स ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रीस्ट कैन सी ऑप्शन ये लाइन्स कौन बोलता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है द नरेटर ऑप्शन नंबर बी है टायरसियस ऑप्शन नंबर सी है मैडन सोसोसट्रिस्ट ऑप्शन नंबर डी है द टाइपिस्ट वाट विल बी काेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट नाओ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी सिक्स द टाइटल अ गेम ऑफ चेज हैज बीन टेकन फ्रॉम वुमेन बिवेयर वुमेन बाई फ्रेंड्स टाइटल जो लिया गया है अ गेम ऑफ चेस का ये लिया गया है वुमन बीवेयर वुमेन पूछा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है मिडल्टन ऑप्शन नंबर सी है पाउंड ऑप्शन नंबर डी है मार्लो वॉटर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिडल्टन फ्रेंड्स आपको हम बता दें द वेस्ट लैंड के फाइव सेक्शन हैं जिसमें सेकंड नंबर पर है अ गेम ऑफ चेज द वेस्ट लैंड का पब्लिश किया गया था 1922 में नाउ एमसीक्यू नंबर 77 द सिंबल ऑफ द वेस्ट लैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंड पूछा गया है सिंबल जो है वेस्ट लेन का वो कहाँ से लिया गया है ऑप्शन नंबर ए है ब्रहदरण्य का उपनिषद ऑप्शन नंबर बी है इमेज ऑफ टायरसियस ऑप्शन नंबर सी है मिस जेसी वेस्टन्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस ऑप्शन नंबर डी है द कैंटोज ऑफ इजरा विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस जेसी वेस्टन्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी एट इन द वेस्ट लैंड एलियट बोरोड द फेमस द द द फ्रॉम द उपनिषद फ्रेंड्स पूछा गया है टी एस एलियट का वर्क है द वेस्ट लैंड उसकी लास्ट लाइन है द द द जिसका मीन्स होता है दत्त दयादम दम्यता ये किस उपनिषद से ली गई है ऑप्शन नंबर ए है मैंडुकिया ऑप्शन नंबर बी है टैक्टीरिया ऑप्शन नंबर सी है मैटराइनी ऑप्शन नंबर बी है ब्रिहदरण्य का वॉट विल बी दट आंसर फ्रेंड ये तो आप फ्रेंड जानते हैं इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी नाइन अ गेम ऑफ चेज इज सेकेंड सेक्शन इन द वेस्ट लैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ प्ले टू विट रेफर्स इन हिज नोट्स दैट प्ले वॉज रिटीन बाई फ्रेंड्स पूछा गया है अ गेम ऑफ चेज जो है वो द वेस्ट लैंड का सेकंड सेक्शन है और किसी प्ले का भी टाइटल है ये नाम जिसको टी एस इलेट ने रेफर किया है इन हिज नोट्स अपने नोट्स के अंदर तो उस प्ले के हमें राइटर का नाम बताना है ऑप्शन नंबर ए है बैन जॉनसन ऑप्शन नंबर बी है मार्लो ऑप्शन नंबर सी है थॉमस किड ऑप्शन नंबर डी है थॉमस मिडल्टन फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थॉमस मिडल्टन नाउ एम सी की नंबर एट्टी विच मॉडर्न इंग्लिश पोयम हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग लेटेस्ट टू देन यू एंड आई वेन द इवनिंग इन स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई फ्रेंड्स ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन है ऑप्शन नंबर ए है द लास्ट राइट टूगेदर ऑप्शन नंबर बी है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्प्रेड प्रूफ्रॉक ऑप्शन नंबर सी है लेडा एंड द स्वान ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर वर्ड्स वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द लव सोंग ऑफ जे अल्प्रेड प्रूफ्रॉक फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने एम सी क्यूज़ को ही कवर करेंगे फ्रेंड इस तरह हमने फोर्थ पार्ट के अंदर अपने एट्टी एम सी क्यूज़ को कवर कर लिया है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू